फरीदाबाद जनता कॉलोनी के सामुदायिक भवन में श्री बालाजी सेवा संस्था और पार्क अस्पताल की तरफ से एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में हड्डी रोग, स्त्री रोग, ब्लड प्रेशर, सुगर आदि की जांच की गई। सुबह 9 बजे शुरू हुए इस स्वास्थ्य जांच शिविर में शाम 3 बजे तक करीब 400 लोगों की जांच कर ली गई। पार्क अस्पताल के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप मलिक ने बताया कि इस कैंप में लोगों की जांच करने के लिए पार्क अस्पताल से विशेषज्ञों टीम ने ECG व इको फ्री किया गया है। इन्होंने यहां सुबह से करीब 400 लोगों की जांच की, जिसमें से करीब 150 लोगों को अल्ट्रासाउंड और इको के लिए अस्पताल बुलाया है। मलिक साहब, कैंप लगाया है, यहाँ पे कौन कौन सी टीम आई है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने लोगों, कितने मरीजों की जांच की? आज पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद की तरफ से हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस और जनरल फिजिशियन द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें तकरीबन 400 लोगों की जांच करी गई है, जिसमें ECG ब्लड शुगर फ्री किया गया था और हमारी तरफ से अल्ट्रासाउंड और इको हॉस्पिटल में फ्री रखी गई। तकरीबन 150 पेशेंटों को एडवाइज की गई है फ्री इको एंड अल्ट्रासाउंड। साथ में आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जो मोदी जी ने स्कीम चलाई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसके भी तकरीबन 150 कार्ड भी बन चुके हैं और अभी भी चल रहा है। उसमें जब आप कैंप लगाते हैं तो किस तरह का डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और किन किन चीजों का एज ए डॉक्टर आपका फोकस रहता है? हमारा मेन ये है कि एरिया वाइज अलग अलग डाटा बेस्ड होता है। जैसे इस एरिया के अंदर अगर हम देखें तो हमारा मेन ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट की जो लेडीज प्रॉब्लम्स हैं प्लस एनीमिया का पेशेंट है, उसके ऊपर मेनली डाटा फोकस करते हैं। आपने कैंप लगाया था, किस संस्था के उस पर कैंप लगाया था, कितने लोग हैं, क्या क्या व्यवस्था की आप लोगों ने यहाँ पे? सर, हमने बालाजी संस्था हमारी है जो जनता कॉलोनी में बनी है और जिसके हम मेंबर है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करा है और इसमें अभी तक लगभग 315 बंदे आ चुके हैं और अधिक से लोगों को सेवा का मौका मिला है और लोगों के कई जो बीमारियां थी उनके बारे में भी डॉक्टरों ने बैठ के दवाई लिखी है और डॉक्टरों को बहुत, मरीजों को बहुत भरोसा मिला किस अस्पताल से कि हमारी बीमारियों का हल जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू।